सदावत्सल्य मातृभूमि में विषय गंभीर है और मुझे लगता है चिंतन मनन की आवश्यकता है, पूरे देश को चिंतन मनन की आवश्यकता है, लीगल फ्रेटर्निटी को खासतौर से चिंतन मनन की आवश्यकता है। जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने, आज से मतलब एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एक प्रश्न आया है, दो जजों की बेंच में एक मामला आया और उस मामले में दोनों जजेस ने अलग अलग वर्डिक्ट दी है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग है, लेकिन विषय जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। मैं इसलिए गंभीर उसको बता रहा हूं कि अगर तीन जज दो चार पांच काउंसिल होंगे तो 3 2 5 10, मैं कहूं 10 लोग मिलकर कोई एक विषय पर डिसीजन देते हैं, मतलब मैं दोनों तरफ के काउंसिल्स की बात कर रहा हूं और जजेस की बात कर रहा हूं, मैं कहूं 3 जजेस कर रहे हैं, 5 जजेस कर रहे हैं, 9 जजेस की बेंच बैठी, 11 की बैठी, 13 की बैठी, 13 जजेस और 13 और लोग मान लीजिए, 13 जजेस बैठे होंगे तो चलिए 25 लोग मान लीजिए और होंगे, और मैं मानकर चलूं कि टोटल 50 होंगे। दोनों तरफ से बहस चली, दोनों तरफ से अपने अपने आर्गूमेंट दिए गए, 13 जजों की बेंच में से 7-6 ने डिसीजन दे दिया, यानी कि 6 जजेस का जो इंटरप्रिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन विपक्ष के पक्ष में जाता है जो मुकदमा हार गया, और 7 का इनके पक्ष में जाता है। तो फिर इसको ऐसे भी मान लीजिए कि एक पक्ष की तरफ से जब मैं कहता हूं कि 32 32 लोग खड़े थे, एक तरफ 15 16 होंगे, दूसरी तरफ 15 16 होंगे, तो केवल 2 वोट एक तरफ ज्यादा बढ़ गए, यानी कि इधर से 15 लोग काउंसिल आर्ग्यूइंग कर रहे थे, उधर से 15 लोग आर्ग्यूइंग कर रहे थे, 6 जजेस एक पक्ष की तरफ चले गए, 7 जजेस एक पक्ष की तरफ चले गए, तो एक का फर्क आया केवल 1 वोट का। वकीलों को भी हटा दीजिए, मैं कहूं कि 13 जजेस में से 7-6 का डिसीजन आया, अगर उन 7 में से कोई एक इधर आ गया होता तो डिसीजन पलट गया था, देश की बहुत बड़ी आबादी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाता, लेकिन वो इधर नहीं आया, तो जो 6 जजेस ने जो डिसीजन दिया वो तो बेचारे मरकर रह गए, उनका तो जिंदगी भर का काम तमाम हो गया। अगर फैक्ट का मैटर था तो वो काम तमाम हो गया, फैक्टों में कोई कानूनी मामला फंसा होगा, कानून का इंटरप्रिटेशन इधर या उधर कर दिया, आपके एक इंटरप्रिटेशन की वजह से या हमारे एक इंटरप्रिटेशन की वजह से, एक जज के इंटरप्रिटेशन की वजह से लाखों करोड़ों भारतीयों पर प्रभाव पड़ा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस डिसीजन को अगर दोबारा रिव्यू में पड़ा, मतलब यही मामला दोबारा कोर्ट में आया और अब की बार 15 जजों की बेंच बैठ गई, जैसे मैं आपको बताऊं कि गोलकनाथ के केस में 11 जजेस की बेंच बैठी थी और 6-5 का डिसीजन था, गोलकनाथ के जजमेंट के कुछ समय बाद ही, मतलब 6 वर्ष का मुझे लगता है अंतराल है, वो 1967 का है और ये 1973 का है, 6 वर्ष के अंदर 2 जजेस और उसी उसी सेम मैटर पर 2 जज और बैठ गए, और अब की बार जो 6-5 से डिसीजन था, 6 एक तरफ रह जाए, 5 में 2 मिल जाए, तो 7-6 से डिसीजन हो गया। तो गोलकनाथ का जो डिसीजन था 11 जजेस की बेंच का, तब तक वो सबसे बड़ी बेंच थी, उस डिसीजन को 6 वर्ष बाद केशवानंद भारती ने पलट दिया। मैं मानता हूं वो सैद्धांतिक पक्ष थे, कानून के इंटरप्रिटेशन का मैटर था, लेकिन अब सवाल ये पैदा होगा नया जो कोर्ट में अभी आया कि जो जो गोलकनाथ के डिसीजन में 7-6 जजेस के जो डिसीजन आया उससे जिन लोगों को लाभ मिला और उस डिसीजन से जो लोगों को लाभ नहीं मिला, यानी कि उनके निगेटिव चला गया, और 6 वर्ष बाद उनके पॉजिटिव चला गया, जिनको पिछली बार निगेटिव चला गया था, जिनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, गलत प्रभाव पड़ा था, अब 6 वर्ष बाद उनके लिए वो डिसीजन आ गया, तो क्या गोलकनाथ में जिन लोगों के पक्ष में डिसेंडिंग ऑर्डर आया था, मतलब जिन जो जो वहां मुकदमा हार गए थे केशवानंद भारती के नए इंटरप्रिटेशन के बाद, उनका क्या होगा? क्या वो डिसीजन, वो 6 लोग, वो लाखों लोग जो उस एक जज की वर्डिक्ट के वजह से जो 2 इधर बढ़ गए उसकी वजह से जो उन पर प्रभाव पड़ा या जो उनका लॉस हुआ, क्या जब डिसीजन बदल गया 6 वर्ष बाद तो उस नए डिसीजन का लाभ अब उनको होगा जो हार गए थे केस?
क्या उनके डिसीजन को रिव्यू किया जाएगा? और ये डिसीजन कानून का रूप रख लेता है, तो कानून का रूप रखने के बाद आपने दो जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया, लाखों करोड़ों डिसीजन हो गए। उसे दो जजेस की बेंच के डिसीजन को प्रेसिडेंट मानते हुए हजारों जजमेंट नीचे लोअर कोर्ट्स ने दे डाले, हाई कोर्ट्स ने दे डाले। वो लाखों जजमेंट जो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स ने दे डाले, तीन जजेस की बेंच में दोबारा उसी तरह का केस आया और दोबारा केस आने के बाद वो दो जजेस की बेंच का जजमेंट पलट दिया और वो जजमेंट की रीजनिंग पलट दी, उस जजमेंट का कानून पलट दिया, इंटरप्रिटेशन पलट दिया और प्रीसिडेंट ये भी बना, रिपोर्टेबल ये भी बना। रिपोर्टेबल नॉन रिपोर्टेबल मैं आपको बता दूं, नॉन रिपोर्टेबल मतलब फैक्टों के आधार पर डिसीजन हो गया, रिपोर्टेबल केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है, सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहता है कि ये रिपोर्टेबल है, यानी कि अब इसको फॉलो किया जाएगा, ये प्रेसिडेंट बन गया। तो फिर दो जजों की बेंच के डिसीजन के कई वर्षों तक, दसियों वर्ष तक देश भर में जो लोग मुकदमा हार गए और अब तीन जजेस की बेंच ने उसको पलट दिया, तो फिर वो दो जजेस की बेंच के आधार पर जो लोग केस लाखों लोग हार गए, उनमें से ये भी संभव है, ईश्वर न करे, मुझे डेटा मेरे पास नहीं है, बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी होगी, बहुत लोग मायूस हुए होंगे, बहुत लोगों के बच्चों की पढ़ाई छूट गई होगी क्योंकि प्रॉपर्टी हार गए होंगे, बहुत लोगों ने, ये भी संभव है कि भगवान को प्यारे हो गए हों, किसी को हार्ट अटैक हो गया हो, या बहुत सारे इस तरह के कृत्य हो सकते हैं। उनको कॉम्पनसेशन कौन करेगा, उनको कॉम्पनसेट कौन करेगा, क्योंकि तीन जजेस ने वो दो जजेस के जजमेंट को पलट दिया, जिसकी वजह से लाखों जजमेंट जो पहले हो चुके हैं, उन जजमेंटों के जो जजमेंट डेटर हैं, जो मुकदमा हार गए, उनको इंसाफ कौन देगा या उनके इंसाफ की बात क्या? अब सवाल ये पैदा होता है, फिर तीन के बाद वो पांच में चला गया, फिर पलट गया, फिर अगले दो चार पांच साल बाद वो सात में चला गया, फिर पलट गया, फिर अगले चार छह साल बाद वो नौ में चला गया, फिर अगले तेरह में चला गया, पंद्रह में चला गया, और ऐसे कभी इनके पक्ष में आता गया, कभी उनके पक्ष में आता गया। इंसाफ किसको कहते हैं? अब ये दोनों पार्टियां सामने खड़ी हो जाएं और ये कहें कि भाई पुराने वाले जजमेंट के हिसाब से मुझे, मैं हार गया था, लेकिन आज के जजमेंट के हिसाब से मैं जीत जाता, मेरा लॉस ना होता, और जो पिछले जजमेंट की वजह से जीत गए हैं वो सब चीटर हैं, क्योंकि उनको तो फ्री में मिल गया क्योंकि जजमेंट पलट गया। ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। अब सुप्रीम कोर्ट के रिस्पॉन्ड पर दो जजों की बेंच बैठी। खैर बहुत कठिन केस नहीं है, पूना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस हरकचंद्र का एक जजमेंट है पहले से, दूसरा इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस शैलेंद्र का जजमेंट है, और इन दोनों जजमेंट्स को बाद में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेज दिया और उसने ओवर रूल कर दिए पुराने जजमेंट। पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, केवल पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें तो पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरकचंद्र मिसरी मल सोलंकी का जजमेंट है, उस जजमेंट को कुछ वर्षों बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मामला गया, तो उसने उसी मामले को इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मामले में ही उसको पलट दिया और पलट कर सेम चीज, सेम सेक्शन का इंटरप्रिटेशन कर दिया, सेक्शन 24 राइट्स टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड कॉन्स्पिरेसी इन लैंड एक्वाजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट 2013। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरकचंद का जजमेंट है, उसको देखते हुए कॉम्पनसेशन के कई एक डिसीजन हो गए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस जजमेंट को अपने पास लगाकर कॉम्पनसेट करता रहा, कॉम्पनसेशन देता रहा। अब फिर से इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से मनोहर लाल आ गया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस जजमेंट को पलट दिया और अब कॉम्पनसेशन का दूसरा नियम हो गया। तो जो लोगों को कम कॉम्पनसेशन मिला है, या जो लोग हार गए केस, या मैं कहूं पहले ज्यादा मिलता था अब कम मिलने लगा, इसको कैसे देखेंगे? पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिर से एक कोर्ट में रिव्यू डाला, या लोगों ने रिव्यू डाला, और रिव्यू डालकर यह कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि भाई अब डिसीजन बदल चुका है, तो हम जो केस पुराने वाले जजमेंट के आधार पर जो मेरा नुकसान हुआ है, उस नुकसान को फिर से रिव्यू किया जाए और हमको कॉम्पनसेशन दिया जाए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
ऐसे कुछ लोग प्रॉपर्टियां हार गए होंगे, कुछ लोग तो क्रिमिनल केस भी हार जाते होंगे, कुछ लोगों को क्रिमिनल केस में सजाएं हो जाती होंगी, कुछ लोग क्रिमिनल केसेस में छूट जाते होंगे, कुछ लोग पूरी पूरी प्रॉपर्टी लॉस्ट कर जाते होंगे, कुछ लोगों का इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर तलाक हो जाता होगा, कुछ इन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पर पता नहीं क्या क्या हो जाता होगा। तो क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन हुआ वो आर्बिट्रेशन था या फिर वो कंप्लीट जस्टिस थी? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़ा खतरनाक प्रश्न ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया। दो जजों की बेंच बैठी और दोनों बड़े होशियार जज, आज की तारीख में बड़े होशियार, बड़े अच्छे उनके स्पीकिंग ऑर्डर आते हैं, ऑनरेबल जस्टिस शाह और ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना। अभी ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट आई है और उनके डिसीजंस, जो उनका डिसेंडिंग ऑर्डर रहता है, 5 जजों की बेंच में भी वो बैठी तो उनका अपना एक सेपरेट ऑर्डर आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मानी जाती है। उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर डाला, उन्होंने इंटरप्रिटेशन सीपीसी के आधार पर कहा, रखते हुए कहा कि 3 ग्राउंड होते हैं जिसमें रिव्यू किया जाता है। पहला है कि डिस्कवरी अब न्यू फैक्ट हो जाए, मतलब जो डिसीजन आया है उस डिसीजन में कोई नया तथ्य आ गया तो उस नए तथ्य को ध्यान में रखते हुए रिव्यू डाला जा सकता है। चलिए भाई, क्योंकि तथ्य उस समय पूरे कोर्ट को मालूम नहीं था, इसलिए अब तथ्य सामने आ गए तो सही कर लेंगे। दूसरा है कोई ऑर्डर में मिस्टेक हो गया हो, रिकॉर्ड में मिस्टेक हो गया हो, रिकॉर्ड को सही रीड ना किया हो तो फिर सही कर लेंगे। या फिर तीसरा पॉइंट किया ये दिया गया कि ऑन अकाउंट ऑफ एनी अदर सफिशियंट रीजन, या कोई सफिशियंट रीजन आता, यानी कि डिस्क्रिप्शन कोर्ट के सामने आ गए। लेकिन इनका कहना यह है कि इस ऑर्डर को जब आप पढ़ते हैं सीपीसी के, तो उसमें एक और बिंदु है और वो बिंदु ही उसका एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई डिसीजन पहले हो चुका है तो उस पहले वाले डिसीजन के बाद डिसीजन बदल जाता है तो डिसीजन, नए डिसीजन आने की वजह से ये ग्राउंड नहीं बनता कि पुराना वाला जजमेंट रिव्यू किया जाए। सीपीसी में नियम यह है, इसलिए उन्होंने दुनिया भर की रीजनिंग लगाते हुए ये कहा कि भाई देखिए, एक बार पुराना डिसीजन हो गया, चाहे वो लॉस हुआ, चाहे वो प्रॉफिट हुआ, चाहे उसकी जमीन बची, चाहे उसकी जमीन चली गई, चाहे उसको सजा हो गई या वो सजा से छूट गया, कुछ भी हुआ हो, पुराने वाले डिसीजन के को रिव्यू नहीं किया जा सकता। जो हो गया वो हो गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो गलती हो गई जिसकी वजह से लाखों लोग सफर कर गए और नीचे वाले केसेस, नीचे वाले कोर्टों में उसके डिसीजन को फॉलो करते हुए तमाम न्यायिक प्रक्रिया में अन्याय हो गए, वो न्याय पाने के अधिकारी नहीं है। ये मेरा, मैं कह रहा हूं, ये इंटरप्रिटेशन आम आदमी ऐसे करेगा कि भैया अब हम न्याय पाने के अधिकारी नहीं है, पुराना वाला चूंकि जज साहब ने मिस्टेक कर दी और जज साहब की मिस्टेक तो वो एक्सक्यूजेबल है, लेकिन मर तो हम गए। दूसरी तरफ ऑनरेबल जस्टिस अमर शाह, ऑनरेबल शाह ने ये कहा कि भाई अगर पुराना वाला डिसीजन के आधार पर लॉस हुआ और डिसीजन ओवर रूल हो गया है तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में न्याय तो ये कहता है कि पुराने वाले डिसीजंस जो हो गए हैं उनको फिर से रिव्यू किया जाए, और रिव्यू करते हुए अब बड़ी बेंच का जो जजमेंट आ गया है अगर वो कॉम्पनसेबल हो तो कॉम्पनसेट किया जाए, अगर वो अब एग्जीक्यूसेबल हो तो एग्जीक्यूट किया जाए, अगर वो रिवर्सेबल हो तो रिवर्स कर दिया जाए, अगर नहीं है तो फिर भाई वो तो एक्ट ऑफ गॉड मान लो। इसलिए इन दोनों केसेस, इन दोनों जजेस ने स्प्लिटिंग वर्डिक्ट दी। अब ये बड़ी बेंच में जाएगा और ये तय होगा कि नया जो डिसीजन आ गया है, जो रीजनिंग नई कोर्ट ने दे दी है, लार्जर बेंच ने दे दी है, बड़ी बेंच ने दे दी है, उसका क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, जो पहले जिनके साथ अन्याय हो गया पुराने जजमेंट की वजह से वो होगा। आप सोचिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये विचार करने का पॉइंट है, इसका सोल्यूशन क्या है ये विचार करने का पॉइंट है। क्योंकि अगर हम ये कह देते हैं कि नए वाले डिसीजन के आधार पर पुराने वाले को रिव्यू करोगे तो अभी लाखों करोड़ों केस फिर से कोर्ट में आ जाएंगे और हम पहले ही से कोर्ट ओवरबर्डन है, और अगर हम ये कह देते हैं कि नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा तो वो लाखों करोड़ों लोग जो जिनका जो जो जजमेंट डेटर थे, जिनके अगेंस्ट में जजमेंट जा चुका था, वो बेचारे मर के रह गए। वो यही कहेंगे कि साहब आपकी लॉर्डशिप की गलती की वजह से हम क्यों मरे, हम तो मरी गए। वो गलती नहीं कहेंगे, उस समय का माइंड है, इंटरप्रिटेशन कर दिया। इसका मुख्य कारण है जजेस के द्वारा खुद कानून बनाना। मेरा मानना है कि जजेस को कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जजेस उस पर अपनी रिसर्च लिखें, उस पर स्ट्रक्चर पास करें,
वो स्ट्रक्चर सरकार के पास भेजें, जो जो सही तरीका है। सही तरीका यह है कि कोई भी लेजिस्लेशन का कानून, मैं जनरल लॉ की बात कर रहा हूं, इंडिया में क्या क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा, इंडिया के क्या प्रेसिडेंट हैं, इंडिया के क्या कानून हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं एक आम डिस्कशन कर रहा हूं एक ज्यूरिस्ट होने के नाते। मेरा मानना है कि जब लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर कोई डिसीजन बाध्य हो जाता है और उसके बाद वो ओवर रूल होने की संभावनाएं रहती हैं और वो कानून का रूप रख लेता है, फैक्ट, एक फैक्ट में आपसे गलती हो गई चलेगा, दो चार केसेस में गलती होगी चलिए मान लेते हैं, लेकिन जब कोई डिसीजन आपका कानून का रूप ले लेता है या हमारा कोई डिसीजन कानून का रूप ले लेता है तो फिर वो लाखों करोड़ लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, लाखों करोड़ लोगों को लाभ भी देता है। ऐसी परिस्थिति में स्ट्रिक्चर पास करिए, क्योंकि आप 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, जब 13 जजों की बेंच में कहूं तो 50 लोग, जो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है, 50 लोग मिलकर, या मैं कहूं सुप्रीम कोर्ट में अगर इस समय 34 जजेस हैं, 35 जजेस हैं, 36 जजेस हैं, तो उन सबका मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में 31 जज हैं, 30 जज हैं, उन सब जजों को मिलाकर अगर कोई कानून नया बन जाए और बाद में उसी तरह के जजेस की संख्या बढ़ जाए और वो ओवर रूल कर दें तो क्या? मेरा मानना है आप हमारे कोर्ट्स को स्ट्रक्चर पास करना चाहिए, विश्व भर में यही प्रेसिडेंट अप्लाई करना चाहिए, स्ट्रक्चर पास करके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में हजारों लोग उसको रिव्यू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में स्पेशलिस्ट इसी बात के बैठते हैं कि उसका मिनिमम निगेटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा लोगों के ऊपर, और तब स्ट्रक्चर पास करके उनको दे दीजिए, वो उस पर रिव्यू करें, पूरा का पूरा सिस्टम बैठे, पार्लियामेंट में उसको रखा जाए, पार्लियामेंट में चुने हुए लोग उस पर चर्चा करें, 850 लोग जो स्पेशल ये जो कानून बनाने के लिए बैठ वहां आते हैं वो सब उस पर डिस्कशन करें, प्रॉपर डिस्कशन के बाद देखा जाए कि पुराने जजमेंट को या पुराने कानून को या जो संसद का कानून है उसको पलटना है या नहीं पलटना है, या वो पुराना वाला कानून ठीक है। ऐसी प्रक्रिया इस समय, और सुप्रीम कोर्ट जब इंग्लैंड की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, तो उनके पास हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उनके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए डिसीजन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स भेजा जा सकता है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहां पर उन परिस्थितियों का जिक्र करता है, देश की परिस्थिति देखता है, उसके मिनिमम मैक्सिमम इफेक्ट्स को देखता है और उसके बाद उस डिसीजन को रिकॉग्नाइज या डिनाई करता है। अगर वो रिकॉग्नाइज करता है तो या डिनाई करता है, उससे पहले सुनवाई करते समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो सकता है बेंच को भी कॉल कर ले और बेंच से ये पूछे कि इस जजमेंट का आधार क्या है, और उनके पास जो आर्गुमेंट रहेंगे, उनके पास जो पॉइंट रहेंगे, वो जजेस के सामने रखते हैं, फिर जजेस अपनी अपनी प्ली हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सामने रखते हैं, उसके बाद उस डिसीजन को कहीं कन्फर्म किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से बेंच की एक जरा सी त्रुटि, 6-5 से एक जज के इधर ज्यादा होने की वजह से, 7-6 से एक जज के इधर ज्यादा होने की वजह से, वो पूरा का पूरे समाज पर, पूरे देश पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हमारे यहां हमारा कोर्ट कानून बनाने से पीछे नहीं आ रहा, उसने कोलेजियम बना लिया है, उसने अपनी प्रोसीडिंग बना ली है, उसने स्वयं डिसीजन करके एक कमीशन्स में घुसेड़ दिया है। कमीशन से मतलब है इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस भी होना चाहिए, ऐसा कर दिया है। बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ हैं जिसका खामियाजा आम जनता भुगत सकती है और आम जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अब संसद को इस विषय पर कानून पास करके रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कानून में नया इंटरप्रिटेशन करें और वो कानून का रूप ले तो फिर वो कानून मंत्रालय, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर उन डिपार्टमेंटों के पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जो है, या जमीन का मामला है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ लैंड एक्विजिशन के पास, या जो जिस डिपार्टमेंट का है उनके पास भेजें, वो रिव्यू करा जाए, लोगों की राय मांगी जाए, उसके बाद वो संसद में रखा जाए, संसद में रखने के बाद डिबेट हो, उसके बाद वो कानून का रूप ले, सीधा 6 लोगों के आधार पर, 3 लोगों के आधार पर, 2 लोगों के डिसीजन के आधार पर 140 करोड़ लोगों के ऊपर कानून बनाना कितना उचित है, ये नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। लेकिन जब सॉवरेंटी की बात आने लगी, सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सॉवरेन मानने लगा है, हाई कोर्ट्स अपने आप को सॉवरेन मानने लगे हैं और सेपरेशन के नाम पर ये कहने लगे हैं कि नहीं साहब, हम तो सेपरेट हैं,
और हम सेपरेशन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी परंपरा या व्यवस्था नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।